السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد موسى حاضرين إنسان كل الله تعالى نے عبادت کی خاطر پیدا کیا اور जिसके लिए तहारत शर्त है और अगर बंदा हालत तहारत में ना हो तो वो इबादतें कबूल नहीं की जाती जैसे मिसाल के तौर पर आप नमाज को ले लें नमाज़ें बग़ैर वजू बगैर तहारत के कबूल नहीं की जाती तहारत के मसाइल को जानना ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है और जिन आमाल से या जिन हरकतों से तहारतें ख़त्म हो जाती हैं इंसान को दोबारा वजू और गसल की ज़रूरत पड़ती है उसकी पहचान ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ आन है यानी कुछ इल्म ऐसा होता है जिसकी जानकारी हर मुसलमान को होनी चाहिए कुछ इल्म ऐसे होते हैं कि जो उसको जान लें उम्मत की इरशाद व तवजी कर लें बहुत काफ़ी हो जाएगा लेकिन कुछ मसले ऐसे होते हैं कि जिसमें म्मत का हर हर फर्द जानकारी रखता हो यह उस पर फर्ज है फर्ज आयन है जिसमें से एक तहारत भी है तहारत के मसले में आमतौर पर नौजवानों में कुछ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं खास तौर पर वजू और गसल के मसाइल में से एक मसला है मनी वजी और वदी यानी मर्दों की औरत उनकी शर्मगाह से कुछ लेसदार मादा स्टिकी लिक्विड कुछ निकलता है कि जिसकी वजह से कभी वजू वाजिब हो जाता है तो कभी गसल वाजिब हो जाता है और लोगों की इसकी पहचान नहीं है नौजवान तबके को नौजवान लड़के लड़कियों को इसकी पहचान नहीं है ना घरों में उनकी इसकी तालीम होती है ना वो जहाँ स्कूल कॉलेजेस पढ़ते हैं उसमें इस्लामी इन तालीम का एहतमाम किया जाता है तो मैंने मुनासिब समझा कि मुख्तसर अंदाज में उसकी तारीफ कर दो उसको पहचानवा दो ताकि आप इसमें अपनी तहारत के एतबार से एहतियात का पहलू जरूर अपनाए रखें देखिए मर्द हो के औरत इंसान की शर्मगाह से जो मादे निकलते हैं पेशाब पाखाने से हट करके एक मनी है दूसरा मजी है और तीसरा वदी है जिसमें मर्द औरत दोनों शामिल हैं कुछ मद ऐसे हैं जो औरतों के साथ खास हैं जैसे हैदो नफाज का मसला हो या औरतों के साथ खास है मर्दों का इससे ताल्लुक नहीं है मोसरीन मनी वजी और मदी में फ़र्क मनी मदी और वदी में फ़र्क ये बड़ा ज़रूरी है देखिए जब कभी इंसान पेशाब के लिए जाए मर्द हो औरत पेशाब से पहले या बाद में या पेशाब के साथ कुछ खतरात कुछ ड्रॉप्स वदी के निकलते हैं जो स्टिकी लेसदार और थोड़ा सा पेशाब के मुकाबले गाढ़े ख़तरात होते हैं इसको शरी अह में वदी कहा जाता है जो पेशाब से पहले या पेशाब के बाद में यानी पेशाब के आसपास से निकलते हैं इसका हुक्म पेशाब का हुक्म है जैसे पेशाब अगर कपड़े पे लग जाए बिल्ला, तो उसको धोना ज़रूरी है बदन पे लग जाए तो धोना ज़रूरी है और बचना चाहिए इससे बिल्कुल इसी तरीके से ये वधि बदन पे लग जाए या कपड़े पे लग जाए तो इसको धोना ज़रूरी है, उसको साफ कर लें और इसके निकलने पर सिर्फ वजू वाजिब होता है बंदा वजू कर ले तो काफी है जैसे पेशाब करने पर वजू वाजिब होता है वैसे वधी के निकलने पर वजू वाजिब है और ये पेशाब के साथ ही आमतौर पर पहले या बाद में निकलता है ये वधी है और दूसरा है मजी मजी कहते हैं कि जब कोई इंसान अपनी बीवी से मुतालिक कुछ सोचे बीवी के साथ कुछ फोर प्ले हो कुछ मुदाबत हो या नौज बिल्ला बड़े अफसोस के साथ उन नौजवान लड़के लड़कियों पर जो हराम कामों में पढ़ते हैं गलत आ, हरकतों में पढ़ते हैं कि वो किसी अजनबी लड़की को अपनी सहेली को अपनी क्लासमेट को अपने कलीग को छुएं उसके करीब बैठे या नौज बिल्ला हराम तरीके से हराम कामों में बोसो किनार में लगें तो ऐसे हालात में उनके शर्मगाहों से जो लेसदार मादा स्टिकी लिक्विड जो बिल्कुल आहिस्ता से निकल जाता है ये मजी कहलाता है जो आम तौर पर शहबत से मुताल है जब इंसान को औरत का शौक पैदा हो औरत को मर्द का शौक पैदा हो तो ऐसे हालात में उनके शर्मगाहों से निकलने वाला लेस तार मादा इसकी लिक्विड जो कतरात की शक्ल में ड्रॉप्स की शक्ल में निकलता है ये मज़ी कहलाता है और मज़ी का हुक्म यह है कि मज़ी के निकलने पर वजू वाजिब हो जाता है वो अपनी शर्मगाह को धोए कपड़े पे लगा हो कपड़े को धो ले या उस पर पानी छिड़क ले पानी छिड़क करके साफ कर ले उसे बदन को साफ कर ले और वजू कर ले ये उसके लिए काफ़ी है अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला तु कहते हैं कि कुं रजुल रसुल मुझे अक्सर मज़ी निकला करती थी मुझे अक्सर मजी निकला करती थी और चूंकि मैं अल्लाह के नबी का दामाद था मैं परेशान था कि इस मजी के निकलने पर मैं क्या करूं कि लिक्विड जो निकलता है लेसदार मादा स्टिकी मादा जो निकलता है इस पर मुझे गुस्ल करना है कि क्या करना है मैं नहीं जान पाता था और अल्लाह के नबी से पूछने से मैं शर्माता था तो मैंने मकदाद अल्लाह से कहा कि आप पूछ लें तो मकदार दे जाकर के अल्लाह के नबी आई सलाम से पूछा तो नबी यह करीम ने फरमाया कि आपको इस पर सिर्फ वज़ू करना है जहाँ पर मज़ी लगी उसे धो लें और वजू कर लें यह आपके लिए काफ़ी है तो ये मजी है जो इंसान की शहवत के वक्त निकला करती है और तीसरा है मनी मनी ये लेसदार मादा होता है थोड़ा सा गाढ़ा किस्म का मादा होता है मर्द का मादा आमतौर पर थोड़ा सा गाढ़ा होता है औरतों का मादा उसके मुकाबले में पतला और पीले रंग का होता है जबकि मर्द का मादा सफेद रंग का होता है और इसमें एक बू होती है जैसे किसी आटे में या किसी पौधों वगैरह में कुछ बू आ जाती है ऐसी बू उसके अंदर होती है ये मनी है और मनी की एक निशानी ये है एक और निशानी कि यह जब किसी मर्द या औरत की जो शहवानी ख्वाहिश होती है वो अपने शबाब पे आ जाए तब ये निकलती है और ये पूरी कुवत के साथ निकलती है मर्द हो के औरत पूरी कुवत के साथ ये निकलती है पूरे प्रेशर के साथ ये निकलती है और आम तौर पर इस मनी के निकल जाने के बाद इंसान थकान महसूस करता है उसकी शहवत ख़त्म हो जाती है उसकी शहवानी ख्वाहिशात दब जाती हैं ख़त्म हो जाती हैं ये मनी है और जब किसी को मनी खारिज हो जाए चाहे वो नींद में जैसे अहतलाम हो जाता है ख्वाब में कुछ देख ले फिर अचानक सुबह उठे तो उसके कपड़ों में गीलापन महसूस हो या कुछ असरात हो सूखेपन के जो मनी के खरूज पे दलालत करते हों तो ऐसे हालत में इंसान पर गसल वाजिब हो जाता है और ये मनी अपनी बीवियों से हम बिस्तरी के वक्त या बाज़ात जिनको मनी के खरूज में जल्दी निकल जाने की बीमारी हो तो किसी को छूने वगैरह पर भी ये मनी का जो ख्रोज हो जाता है इससे गसल वाजिब है इससे गसल वाजिब है और मनी ताहिर है नजिस नहीं है मनी ताहिर अगर चेमा का इसमें अख्तिलाफ है लेकिन सही कौल यही है कि मनी ताहिर होती है नजिस नहीं होती इस पर इंसान पर गसल वाजिब हो जाता है गसल करके वो नमाज पढ़ेगा गसल करके वो रोजा रखेगा तो माजरीन ये मनी मी और वधी इन तमाम में फ़र्क लाजमी है आम तौर पर लोगों को लोगों को ना मालूम होने की वजह से लोगों की लामी की वजह से तहारत के मसाइल में बड़ी ऊँच नीच हो जाती है मज़ा साज्रीन इन मसाइल को जानना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है ताकि उसकी इबादतें सही अंदाज़ से हो सकें अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ताली में शरी हकाम के समझने की तोफ़ी नसीब फ़रमाए आमीन वसल वसल नबीना महमद वाला अली वसब याज़मा वसलम आलकम वर्क Obrigado.